तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी बैकफ्लिप या बैकहैंड स्प्रिंग मारना है, लेकिन आपके हालात कुछ जंप मारते वक्त इस टाइप से हैं, आप ऐसे गिर जाते हैं, कुछ इसी टाइप से मैंने वीडियो में दिखाया आपको, तो ये वीडियो केवल आपके लिए ही दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखिए, आप अंत तक बैकफ्लिप और बैकहैंड स्प्रिंग सीख जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जाहिर सी बात है, आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम रजत पोपर। तो दोस्तों, मैटर वही का वही है, बैकफ्लिप और बैकहैंड स्प्रिंग का। लेकिन मैं पहले क्वेश्चन का आप लोगों का जवाब देना चाहूंगा। आप हमेशा पूछते हैं कि आप बैक हैंड स्प्रिंग को बैकफ्लिप क्यों लिखते हैं। दोस्तों, इंडिया की सर्च हिस्ट्री ऐसी है, यूट्यूब की हिस्ट्री ऐसी, तो क्या कर सकते हैं बंदों को। अभी आदमों को डिफरेंस नहीं पता है बैकफ्लिप और बैकहैंड स्प्रिंग में क्या है। लोग बैकफ्लिप सर्च करते हैं और वीडियोस देखते भी हैं, व्यूज आते भी हैं, तो मैं इसलिए बैकफ्लिप लिखता हूं दोस्तों, ठीक है। और अगला मैं बता दूं, अगर इतने सारे ट्यूटोरियल्स के बाद भी आपको बैकफ्लिप नहीं आई और बैकहैंड स्प्रिंग नहीं आया, तो ये वीडियो और देख लीजिए। इसमें मैं और थोड़ा डिटेल देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा, आपको मजा आ जाएगा। जैसे बोलते हैं, मतलब अगर आप चीज में फोकस करके करेंगे, ठीक है, समझेंगे चीज को, तो आप सीख पाएंगे। ये नहीं आपको एक पॉइंट समझ आया, वीडियो बंद किया आपने और आप चले गए उसको प्रैक्टिस करने, ऐसे नहीं आएगा, पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों आपको, ठीक है। और जो लोग कमेंट करते हैं, भाई हमें आ गई है बैकफ्लिप, आ गई है बैकफ्लिप मत डालो, तो भाई एक काम करो, फेसबुक पे मेरे को अपनी वीडियो भेज दो, मैं तब मानूंगा आप लोगों को आ गई है, ठीक है। ऐसे नहीं मानूंगा मैं आ गई है, ठीक है, भेज दो। क्योंकि यार 24 लाख एक वीडियो व्यू है, 2.5 लाख एक में है, 53,000 एक में है, आधे इतने कमेंट्स फिर भी है कि हमें नहीं आई है बैकफ्लिप बैकहैंड स्प्रिंग। तो दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको बैकफ्लिप सिखा दूं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है और वीडियो को ना कहीं स्किप मत करना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं स्किप कर करके, वह भी एक कारण है कि आपको बैकफ्लिप नहीं आ पाती दोस्तों, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, आप स्ट्रेच कीजिए, कर लीजिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 5.5 मिनट की, तो पूरी देख सकते हैं आराम से। तो देखिए दोस्तों, बैक इस टाइप से स्ट्रेच कर लेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको डी से पलटना आना चाहिए, बैक वेल कोवर आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए आपको, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करो। इस वीडियो का टाइटल यही है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। बहुत ही आसान स्टेप है इसमें। देखिए, आपको डी बना लेना है नीचे से, ठीक है, जैसे ऊपर से नहीं बनाना, आपको नीचे से बना लेना है, नॉर्मल सा, जैसा भी आप पे बनता है, इतना भी बनता है अगर आप पे, तो आप आराम से सीख सकते हैं बैकहैंड स्प्रिंग, ठीक है। उसके बाद हाथ हटा के आप बैकफ्लिप भी सीख सकते हैं। अब देखिए, जब आप करने जाते हैं तो आपकी जंप कुछ स्टेप से होती है, आपको पता नहीं चल पाता कि पीछे जाऊँ या ना जाऊँ, कैसे जाऊँ, सर ना लग जाए, ये ना लग जाए, वो ना लग जाए। तो देखिए दोस्तों, से आप गद्दे पर भी ट्राई कर सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर आप पे गद्दा नहीं है तो आप ग्राउंड पे जाके भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन गद्दा घर पे होगा ही, घर की कुंडी मार लेना और ट्राई करना से आराम से आप। तो जब आपकी जंप ना लगे तो ऐसे में घबराओ मत, आप देखो सीधा सीधा क्या करना है, हाथ आपको ऐसे स्ट्रेट रखने की प्रैक्टिस करनी, देखिए सीधे हाथ बिल्कुल, ठीक है। जब तक आपके हाथ तिरछे रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, हाथ जब आपके सीधे हो जाएँ उसके बाद आप क्या करो, दो तकिए ले लो घर में से, ठीक है, दो तकिए लगा लीजिए, आप तीन भी लगा सकते हैं, मेरा बजट कम है इसलिए मैं दो लगा रहा हूँ, देखिए दोस्तों, ठीक है। आपको कमेंट मत करना कि मेरा बजट क्यों कम रहता है, मैं मजाक करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो देखिए, दो तकिए जैसे कि लग गए हैं, आप देख पा रहे हैं। अब इससे क्या होगा, आपकी बैक को स्टार्टिंग में रोटेशन करने में आसानी होगी, क्योंकि एक उसको सपोर्ट मिल गया है, ठीक है, नहीं तो सपोर्ट नहीं मिल पाता, बॉडी नीचे गिर जाती है। ये एक्सरसाइज आप तब तक करेंगे जब तक आपके हाथ लगने शुरू ना हो जाए, आराम से जंप लो और आपके हाथ लगने की प्रैक्टिस करो कंटिन्यू। कई बार आप ऐसा होगा कि बेड से नीचे भी गिर जाएंगे, ऐसा हो सकता है आपके साथ, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आप पीछे जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होगा, देखिए दूसरे एंगल से, इस टाइप से देखिए, जितना आप इस चीज़ को करेंगे आपकी बॉडी में फॉर्म आएगा, पीछे को जाना कैसे, वो फॉर्म ये दो तकिए ही लेके आएंगे, क्योंकि ये दो तकियों से एक सपोर्ट मिल जाता है कि हाथ आपके लग पा रहे हैं फर्श पे लग पा रहे हैं, गद्दे पे लग पा रहे हैं, वरना नहीं लग पाएंगे। उसके बाद जब इतना हो जाए तो तकियों को हटा दो, तकियों का कोई मैटर नहीं है, सिंपल आप इस चीज़ की रेगुलर प्रैक्टिस करो रेगुलर। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको अपनी गर्दन को पीछे रखना है, ठीक है, और हाथ सीधे रखने हैं, हल्के से मुड़े रख सकते हो स्टार्टिंग में चलेगा, लेकिन आपको जितना कोशिश हो आपको हाथ सीधे रखने हैं और बॉडी को पीछे नहीं फेंकना है, आपको बॉडी को ऊपर फेंकना है, ठीक है। जैसे मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप रिलेट कर सकते हैं, आप भी ऐसी करेंगे तो आप भी ऐसी गिरेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं गिर रहा हूँ तो आप भी गिरेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। सब गिरते हैं यार शुरू में, कोई भी अलग दुनिया से नहीं आया ना मैं आया हूँ, सब प्रैक्टिस से ही बने हैं। ये देखिए, जब आपकी जंप जितनी ऊपर जाती जाएगी उसके बाद आपको इतना सा करना रह जाएगा, आपको अपनी गर्दन को पीछे लेना है। जब आप गर्दन को पीछे ले लेंगे आप पीछे पलट पाएंगे, और अगर आप गद्दे पे करेंगे तो आपका जल्दी होगा ग्राउंड के मुकाबले, क्योंकि गद्दे में स्प्रिंग होते हैं, ठीक है, तो स्प्रिंग से आपको एक मोशन मिल सकता है ट्रैम्पोलिन जैसा। उसके बाद आप ग्राउंड में ट्राई कर सकते हो, और घर में भी कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी पापा कभी तो बाहर जाते होंगे, कुंडे मार देना, पलंग तोड़ देना ऐसी की तैसी, ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से, ये मत बोल देना मम्मी पापा को कि रजत पापड़ ने बोला था पलंग तोड़ने के लिए, इसलिए पलंग तोड़ दिया, ऐसा मत करना। उसके बाद आपको गर्मी लग जाएगी जैसे मेरे को लग गई है, एसी चालू कर लेना ऐसे में आप, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत वो होगी बकचोदी जिसे बोलते हैं। देखिए उसके बाद आपको जंप, देखिए मैं कैसे ले रहा हूँ, देखो हाथ सीधे गर्दन पूरी जान से पीछे, ये देखिए
एक दिन ये हो जाएगा आप पे आराम से। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए कम से कम, ठीक है। उससे देखिए 3 फायदे हैं 2-3 बार देखने से, आपको अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी एक तो, ठीक है। दूसरा, मेरा वॉच टाइम भी बढ़ेगा दोस्तों, काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों कंटिन्यू कर करके कुछ टाइम बाद आप कंटिन्यू बैक हैंड स्प्रिंग भी मार पाएंगे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक कीजिए वीडियो, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर भी कुछ भी ना समझ आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। और बाकी किकअप और बैक फ्लिप की और भी वीडियोज़ हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।